गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आज ये फ्राइडे और फ्राइडे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किए और आज बन रहा है मेरे घर पर पराठा नाश्ते में, और वो इसलिए क्योंकि आटा खत्म हो गया था। और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है, जिदान के पापा लेट तक सोए हो रहते, मतलब 10 to 10:30 तक वो सोए हो रहते, उसके बाद उठ जाते और उनको उठाने का मन भी नहीं होता है। और आटा ख़त्म कोई बात नहीं, मेरे घर पे मैदा अवेलेबल था तो सोचे आज मैदा का पराठा बना देते, और फ्राइडे ये थोड़ा सा स्पेशलिटी भी आ जाएगा। पराठा बनने के बाद कोई टेंशन की बात नहीं होता है, क्योंकि जिदान के पापा को अगर चाय के साथ पराठा दे देते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट ऑब्वियसली मेरा आदत नहीं है चाय के साथ पराठा खाना, तो इसीलिए अपने लिए कुछ बनाते हैं तो जिदान के पापा के लिए भी बना देते हैं, और बच्चों के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, बिकॉज बच्चे बिना स्वीट आइटम्स का उन लोग खा ही नहीं पाते, जैसे मिठाई या तो बनाना या जलेबी कुछ भी बच्चे को मतलब दे देंगे तो बच्चों के लिए नाश्ता बहुत अच्छे से हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। मैदा का डो तो रेडी हो गया है, अब स्क्वायर शेप देना है। और देखिए आपसे बात करते करते बहुत जल्दी काम कंप्लीट भी हो जाता है। और इस बीच इजान उठ गया, देखिए पापा डाक छे, चलो मम्मा को छे, मम्मा हो गया छे, मम्मा रेडी। इजान उठ जाने से क्या प्रॉब्लम होता है, इजान को काम करना रहता है, सारा काम इजान ही कर लेगा। और आज फ्राइडे है, देखिए इजान के पापा उसको फ्रेश कर दिए, जिदान अभी तक सोया हुआ है, जिदान उठने से उसको भी फ्रेश कर देंगे और तब तक मेरा नाश्ता बनके रेडी हो जाएगा। आज थोड़ा सा हम लोग का ब्रेकफास्ट होगा थोड़ा सा लेट, बट इस बीच सारा काम जैसे फ्रेश होने का काम कम्प्लीट हो रहा है दोनों बच्चों का। जिदान देखिए ब्रेकफास्ट के बाद ही पढ़ने बैठ गया, आज एक्चुअली बिठा दिए वो इसलिए क्योंकि वो अगर पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो टेंशन थोड़ा सा कम रहता है और उसको बिठाना बहुत मुश्किल बात होता है, बट वो जब बैठ जाता है माइंडसेट हो जाता है जो अभी पढ़ाई करना है तब ईजी हो जाता है। तो जिदान का पढ़ाई कम्प्लीट होते होते तब तक इजान को बिजी रखने के लिए देखिए टीवी ऑन कर दिए और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर दिए थे ताकि इजान का टाइम पास हो जाए और जिदान का पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इजान काफ़ी डिस्टर्ब करता है। जिदान को पढ़ाते हुए मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया था, उसके बाद दोनों बच्चों को लंच करवा दिए और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, बस एक काम रह गया, देखिए क्लोथ्स को ठीक करके अपने अपने जगह में रखना है। और जिदान इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं सोता है जब उसका स्कूल ऑफ रहता है, वो इसलिए क्योंकि उसको नींद ही नहीं आता है रात में नहीं तो, और ऐसे ही वो लेट करके सोया हुआ रहता है तो इसीलिए उसको सुलाते नहीं, वो मेरे साथ ही रहता है। और देखिए वेदर बाहर का ऐसा लगता है बारिश होगा, बट बैड लक था, पूरा दिन बारिश नहीं हुआ, हम लोग बस होप कर रहे थे जो बारिश हो, बिकॉज बारिश होने से थोड़ा सा गर्मी कम हो जाता है, रूम के अंदर इंसान कितना रह सकता है। आज जिदान के पापा को इतना ज़्यादा प्रेशर था, नॉर्मली फ्राइडे ऑफ रहता है बट आज वो जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद ही चले गए थे। और यहाँ पर मेरा देखिए मिल्क गर्म हो रहा है, और जिदान के पापा को आज मन हुआ घर का खाना नहीं खाएंगे, वो फ्राइडेस लेके आए थे, वो फ्राइडे से खा लेंगे, बिकॉज अभी इवनिंग हो गया है, उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था, वो राइस खाएंगे। और यहाँ पर चाय भी रेडी हो रहा है। हम लोग जब नाश्ता करने लगे थे, जिदान काफ़ी मौका का फ़ायदा उठाया, मतलब वो टीवी देख रहा था, फिर बोले चलो अब पढ़ा लेते, अब थोड़ा सा स्टडीज़ करोगे इवनिंग में तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब भी ऑफ टाइम में वो जितना ज़्यादा अपना स्टडीज़ कंप्लीट करेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा जिदान के लिए। और अभी हिंदी उसके लिए न्यू है तो हिंदी में ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, फिर जो अदर सब्जेक्ट्स है उसको भी रिविज़न करना पड़ता है एवरी डे, तो ये उसका ड्यूटी है। और उसका फेस देखिए मूड बिल्कुल भी ऑफ है, बिकॉज आज वो आफ्टरनून टाइम में भी पढ़ाई किया और प्लस अभी इवनिंग टाइम में पढ़ाई कर रहा है। हैंड राइटिंग भालो करे, हाँ ओके नेक्स्ट नंबर 4 ओके ओके हाँ।
जिदान तो अपना स्टडीज कर रहा है, बट आज मेरा अभी मन हुआ जो आज रात के डिनर में अगर थोड़ा सा भाजी भी रहेगा तो कैसा होगा। तो जिदान को भी बोले बाबू तुम स्टडीज अपना कंप्लीट करो, तब तक मेरा भाजी भी रेडी हो जाएगा। तो जिदान एकदम रेडी है क्योंकि वो काफ़ी डांट सुन चुका है, तो वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और अच्छे से पढ़ाई करेगा। देखिए मेरा भाजी कट हो गया है और भाजी एकदम सिंपल तरीके से बनाना है और छोटा सा एक अनियन यूज़ होता है, तो अनियन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बट थोड़ा सा फ्राई तो करना ही है। और अनियन में कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे, बट अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर बाद ही करेंगे। और कुछ टोमेटोज भी ऐड करेंगे बिकॉज क्योंकि सिर्फ आलू भाजी नहीं, कोई भी भाजी में अगर टोमेटोज ज़्यादा करके ऐड करें तो अच्छा लगता है, खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो देखिए मेरा अनियन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, अब इसमें जो आलू है काट के रखे हुए हैं उसको मिक्स कर देंगे। हाँ, और साथ ही साथ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। वाइट भाजी भी होता है बट येलो कलर ज़्यादा पसंद है, और ये भाजी कुछ दिन बाद पर खाने का बहुत ज़्यादा ही मन होता है। जिदान के पापा को भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, और मेरी मम्मी और आपा नॉर्मली ये भाजी ब्रेकफास्ट में बनाती थी, तो आज मेरा मन हुआ राइस के साथ अगर खाएँगे ज़्यादा टेस्टी होगा। और ये भाजी बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो जिदान का स्टडीज़ कम्प्लीट होते होते ये भाजी भी कम्प्लीट हो जाएगा। और आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी डिनर कर लेंगे बिकॉज आज प्लान है बच्चों को लेकर थोड़ा सा मतलब बाहर जो है मेरे घर के बाहर थोड़ा सा वॉक करेंगे, बिकॉज इससे क्या होगा ना बच्चे डिनर के बाद वॉक भी कर लेंगे और प्लस बच्चे थक के सो भी जाएंगे जल्दी, बिकॉज जिदान एकदम सोने का मूड भी नहीं रहता, रात में काफ़ी परेशान करता है, तो इसीलिए सोचे बच्चे अगर टायर्ड हो जाएंगे तो जल्दी सो जाएंगे। तो आज ये प्लान है, तो इंशाल्लाह रात में किस तरीके से हम लोग वॉक करते इंजॉय करते हुए आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, आपको मेरा अगर ये सिंपल सा वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, और न्यू व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हम लोग नाइट वॉक किस तरीके से करते हैं, वो भी बच्चों को साथ में लेते हुए, और बच्चे कैसे इंजॉय करते, सिर्फ नाइट वॉक होता है या इंजॉयमेंट होता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। डिनर करने के बाद जो नाइट वॉक है ये जिदान की जो स्कूल की मैम है वो एडवाइज़ की, बिकॉज इससे बच्चे टायर्ड हो जाते और बच्चे सो जाते हैं आराम से, परेशान नहीं करते, तो और कभी कभी दूसरों के बात सुन लेना भी चाहिए, और ख़ास करके अगर जिदान की मैम हो थोड़ा सा एडवाइस ले लेना चाहिए। तो देखिए भाजी बहुत अच्छा कलरफुल हो गया है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये भाजी नॉर्मली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप लोग ज़रूर साथ में बने रहिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, और आप लोग जितना भी वॉच करते हैं मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।